शिवा डाइट मोड़ा अम्बाला से स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बनाएंगे पेपर को यूज़ करके डेकोरेटिव हैंगिंग, जिससे आप चाहे अपने क्लासरूम्स को, स्कूल्स को या अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल पे। तो यहाँ मैं ट्राई कलर में बनाऊंगी। अब यहाँ पर जो मैंने फ्लोरोसेंट शीट्स यूज़ की हैं, ये मार्केट में A4 साइज में ऐसे बहुत सारे ब्राइट कलर्स में अवेलेबल हैं। लोटस कंपनी की ये शीट्स हैं। इसको इसमें से जब मैंने ये शीट A4 साइज़ की है और मुझे इसमें से एक स्क्वायर निकालना है, तो मैंने इसको प्रॉपर क्रीज के साथ फोल्ड करते हुए, ये आप देख सकते हैं जो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, चाहे आप इससे पहले मार्क कर लें या डायरेक्ट आप इसे सीजर से कट कर लें, यहाँ पर इसको वापस से एक बार और फोल्ड प्रॉपर क्रीज के साथ, देन वन मोर फोल्ड। इस तरीके से जब हमारे ट्रायंगल में बन गया, तो जहां पर ये हमारी लेयर्स खुल रही हैं, हमने वहां पर टिप्स पर से एक जो कर्व है, यहाँ पर एक कर्व लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। देन उसके बाद हमने एक कर्व लाइन और ड्रॉ की। उसमें ध्यान हमें रखना है कि इसको हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। देन हमने एक और कर्व लाइन हल्की सी ड्रॉ की और इसी के इक्वल में हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। जो हमारी ये वाली लाइन है, इसे तो हमने यहाँ पर से कंप्लीट कट कर लिया। और अब इधर की तरफ से, क्योंकि हमें यहाँ से कट नहीं करना, तो हमने दूसरी तरफ से और यहाँ से भी इसी तरीके से ये कट कर लिया। देन हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने ये ध्यान देना है कि जो हमारे ये सेंटर वाली लेयर है, हमने इसी को सेंटर में यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देना है सेकंड लेयर को। चारों तरफ से हमने इसकी सिर्फ सेकंड लेयर की टिप को उठाया और हमने उसको यहाँ पर ये देखिए, इसी तरीके से हम अभी दूसरा इसी तरीके से सेम एक और पीस हम तैयार कर लेंगे। एक पीस और तैयार कर लिया है। अब मैं इसको इसके साथ इसकी बैक पर और इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी कि यहाँ पर ये इसके साथ यहाँ ऐसे पेस्ट हो जाए। पेस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों ही तरफ से कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट को यूज़ किया ब्लू कलर की, जिसके छोटे छोटे से सर्कल्स यहाँ पर मैंने कट कर लिए और यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में ग्लिटर शीट, आपके पास अगर ग्लिटर शीट नहीं है तो आप कोई बीड यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल दूसरे कलर की कोई भी शीट का कटआउट यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ट्राई कलर्स में बनाए हैं। और इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ऑलरेडी बना के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको ये हमारे इस तरीके से हैंगिंग में इनको बनाने के लिए, ये मेरे पास बारीक डोरी है, आपके पास जो भी डोरी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो पंचिंग मशीन को यूज़ करके हम इसमें होल करके कर सकते हैं, एंड अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट इस डोरी को यहाँ पर स्टैपल भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये तीनों हमारे कितने ही खूबसूरत हमारे हैंगिंग्स में तैयार हो गए हैं, जिनसे हम
सजा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप भी बनाइए और अपने स्कूल को, अपने घर को इसी तरीके से सजाइए। धन्यवाद।